नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है। फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज भाजपा का दामन थाम लिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर की भोपाल रोड स्थित गोवर्धन सिटी में अति पिछड़ा सम्मेलन एवं सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया को महर्षि वाल्मीकि का चित्र देकर स्वागत किया गया। इस दौरान देवेंद्र कश्यप ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने देवेंद्र कश्यप का स्वागत करते हुए कहा कि वह जमीन से जुड़े हुए नेता है। वह अलग अलग पार्टी में रहकर समाज के मुद्दे उठाते आए हैं, लेकिन अब भाजपा में आकर समाज के मुद्दे उठाएंगे। देवेंद्र कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा सिर्फ आबादी की हिस्सेदारी की बात की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहीं भी टिकटों या संगठन में कोई हिस्सेदारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अति पिछड़ों को लोकसभा में टिकट भी दिए जा रहे हैं और आरक्षण बंटवारे को लेकर भी सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, केवल प्लेटफॉर्म चेंज किया है, संघर्ष इससे ज्यादा किया जाएगा। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिला मीडिया प्रभारी अंचित मित्तल, जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आंचल तोमर, भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं काफी संख्या में अति पिछड़ा वर्ग के लोग मौजूद रहे। इंजीनियर देवेंद्र कश्यप जी ने भारी समर्थकों के साथ आज भारतीय पार्टी ज्वाइन की। सत्येंद्र सिसोदिया जो हमारे क्षेत्र अध्यक्ष हैं, संजीव बालियान जी, हम पार्टी के सब लोग जिला अध्यक्ष जी सब ने मिलकर के उनको ज्वाइन करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवेंद्र कश्यप भी बड़ा चेहरा कश्यप समाज का अति पिछड़े वर्ग का है। उनके आने से भारतीय पार्टी और अधिक मजबूत हुई है और संजीव बालियान जी का चुनाव हम भारी मतलब जीतेंगे, इतना हमको भरोसा है। कांग्रेस में उठा ही नहीं, कांग्रेस अकेला चेहरा थे, वो भी भारतीय पार्टी में जुड़ गए हैं। तो कांग्रेस के पास पहले कुछ नहीं था, जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी भारतीय पार्टी में आ गया है। तो हमको लगता है कि भारतीय पार्टी और अधिक मजबूत हुई है उनके आने से, उनकी समस्याओं को, समाज की समस्याओं को हम लड़ने का, उनका समाधान करने का प्रयास। बीजेपी प्रत्याशी मैदान में है, क्या लगता है कितनी वोटों से जीतने की आशंका है? पहले से अधिक, 2014 में जितने मतों जीते उनसे अधिक मतों चुनाव जीते। कांग्रेस में सेंध लगाई है, इसको लेकर क्या कहूं? बताने आपको, कांग्रेस पहले कुछ नहीं था, एक हीरा उसके अंदर था, वो भारतीय पार्टी में शामिल हो गया, उसको हमने पैसा दे दिया है, उनका स्वागत। फिशरमैन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने अपने पूरे साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। उनके स्वागत के लिए, ज्वाइनिंग के लिए भारी संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग आज यहाँ मखियाली गांव में पहुंचे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में देवेंद्र कश्यप जी का स्वागत करता हूँ। वो जमीन के कार्यकर्ता हैं और पिछले कई वर्षों से समाज की लड़ाइयाँ अलग अलग पार्टियों में रहते हुए किए, अब भारतीय जनता पार्टी में रहकर समाज के मुद्दे उठाएंगे, उनका स्वागत है। लगातार जो है भाजपा में जयंत के बाद जो है बढ़ोतरी हो रही है, कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, परिवार बड़ा हो रहा है, अच्छी बात है। बड़ा कुनबा हो, जी भी ज्यादा लगे, आपस में बातचीत करते रहेंगे। और देखिए, सबको पता है कि अब की बार 400 पार, लड़ाई तो कोई है ही नहीं, कहीं से कहीं तक मुझे कोई दिखाई नहीं देता। तो सभी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, और भी लोग हैं, उनका भी स्वागत है जो आना चाहता है। अभी आपने मन से कहा है कि सामने कोई नहीं है, उनकी बात इस तरह भाई, मैं तो जनता के मन की बात कर रहा था, वो एक है मुझे कि अब तो कुछ है नहीं, 400 पार की जब बात आ गई फिर बचेगा क्या? क्या कहेंगे तब पिछड़े सम्मेलन के लोगों से? यही कहूंगा, सब लोग आए, बड़ी संख्या में, आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, और सबकी आस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी में और भारतीय जनता पार्टी में। संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष करेंगे और संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइन किया क्योंकि कांग्रेस में हम जहाँ काम कर रहे थे वो आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात तो कर रहे थे, लेकिन कहीं टिकटों में, संगठन में कुछ नहीं था। और हम इधर देखा, बातचीत हुई, भारतीय जनता पार्टी थी पिछड़ों को काफ़ी टिकट दे रही है, और हमारे आरक्षण का जो मुद्दा है थी पिछड़ों का, उसमें मोदी जी ने 2017 में जस्टिस राघवेंद्र रोहिणी आयोग बनाया, केंद्र में उसकी रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें आरक्षण के बंटवारे की बात कही गई है। राघवेंद्र कमेटी योगी जी ने बनाई जिसमें आरक्षण का बंटवारा, और इसको जल्दी लागू कराने का काम सरकार करने जा रही है। सरकार से बात में रहकर हम सरकार में इस बात को उठाएंगे। संघर्ष खत्म नहीं हुआ, यहाँ से दूसरा प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, संघर्ष उससे ज़्यादा होगा। आपने 80 दिन धरना प्रदर्शन किया, जिन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, वो सरकार से मांग की, सिस्टम के खिलाफ भी आप बैठे, तो आप कैसे? वो मांग फिर से सरकार से ही है,
पहले सरकार के बाहर विरोध में थी, अब सरकार में अंदर रह के सरकार से होगी भाई। हम सरकारों के लोगों से मिलेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, उन्हें अपनी बात बताएंगे, क्योंकि हमारा वहाँ बताने वाला कोई नहीं। सरकार की गलती नहीं है, सरकार को कोई बताने वाला ऐसा पिछड़ा नेता नहीं कि इनको ये चाहिए। तो हम लोग वहाँ पहुँचेंगे धीरे धीरे, और अपनी पहचान बनाकर, अपने लोगों को जगाकर, जागरूक करके अपनी बात को उठाएंगे और इन मांगों को सरकार में रह के। लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा आपकी भारतीय जनता पार्टी? लोकसभा चुनाव में बहुत असर पड़ेगा, और लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और संजीव बालियान जी आज इतने बड़े समाज अगर शामिल हुआ है तो 2014 से बड़ी जीत संजीव बालियान जी की। जाति को आरक्षण की बात भी लगातार उठती रही है, मगर जो भी भाजपा में कसम नेता जाता है वो भूल जाता है। नहीं, 17 जातियों को आरक्षण की बात ही गलत थी वो। हमने भी देखो 80 दिन जो धरना चलाया, पहले हम भी वो गलत मांग मांग रहे थे। मांग है पिछड़ों में, अति पिछड़ों के आरक्षण की। आरक्षण तो हमें 27% है भाई, 27% आरक्षण हम लोगों को है, लेकिन कुछ उसमें मजबूत जातियां पूरा हिस्सा ले रही है। उसके लिए मोदी जी ने रोहिणी आयोग बनाया है, जिसकी रिपोर्ट अभी 31 अगस्त को राष्ट्रपति जी के पास आ गई है। उसमें 3 भागों में आरक्षण का बंटवारा कहा गया है। तो मांग तुम्हारी झुकी तो है, 17 जातियों पर तो लड़ाई हमने बहुत दिन पहले बंद कर दी थी, वो तो सिर्फ हमारे लोगों को जानकारी नहीं थी, इसलिए 17 जातियों की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी मांग है हिस्सेदारी की, जितना हिस्सा बैठता है पिछड़ों में उतना ही हमारा अलग कर दिया जाए। नहीं नहीं, नेता है, सबको अधिकार है। कोई मैं चुनाव लड़ने की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो अपने समाज के संघर्ष को लड़ूंगा। पार्टी जिसको चाहेगी उसको तो एक पार्टी में तो बहुत लोग होते हैं टिकट मांगने, उनको भी अधिकार है, हमें भी अधिकार है, सबको अधिकार है, कार्यकर्ता के बूथ अध्यक्ष को भी अधिकार है। हमारा टिकट से कोई मसला नहीं है, हमारा मसला है हमारे समाज के अधिकार की लड़ाई। हम 24 घंटे अपने समाज के लिए खड़े रहेंगे, जहाँ भी समाज के साथ कोई बात होगी हम तुरंत वहाँ पहुँचने का काम करेंगे, उनका काम कराने के लिए हम दिन रात तैयार। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।